गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये देखिए आप लोग, एक मैंने ये रेनी स्केच बनाया है। इसमें देखिए आप लोग, एक छोटा सा एक फिगर और ये मैंने अम्ब्रेला और ये सब जितना है आप लोग इसको बनाएंगे। आप इसको छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं और इसके अंदर कुछ और भी बना सकते हैं अपने मन से। ये देखिए हमको क्या, अब ये पेंसिल से मैंने बनाया है, आप लोग ऐसे बना लीजिएगा और इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करके भी बना लेंगे। फिर इसमें अभी देखिए मैं इसमें थोड़ा सा आपको शेडिंग करके दिखा दे रही हूँ। देखिए लाइट पेंसिल लाइट करिएगा पहले, फिर ये देखिए अब मैं इसमें आप लोगों को शेडिंग करना दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह ऐसे आप इसको करेंगे, इस तरह करने के बाद ये देखिए पहले शेडिंग करेंगे, फिर इसके ऊपर इसको कपड़े से मिक्स करेंगे। कपड़े से मिक्स करके और फिर इसमें आउटलाइन करेंगे। ये देखिए जैसे ये मैंने कर दिया है, फिर कपड़ा लेंगे, ये देखिए ऐसे कपड़ा लेंगे और कपड़े से इसको एक तरफ लाइट और दूसरी तरफ उसको, तो एक एक तरफ डार्क करना है, एक तरफ लाइट करना है। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को करके दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा इस तरह थोड़ा सा इसके एक पोर्शन में कर दे रही हूँ। ये देखिए ऐसे हो गया ये। फिर इसमें आउटलाइन करेंगे, देखिए ऐसे इसका आउटलाइन होगा। ये देखिए ऐसे करने के बाद फिर इसके फेस में भी ऐसे एकदम हम लाइट करेंगे, ऐसे हल्का हल्का। फिर इसको करने के बाद इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह करके फिर सेम वही कपड़े से मिक्स करेंगे। फिर ये थोड़ा सा अम्ब्रेला में भी दिखा दे रहे हैं। ये देखिए ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, आप थोड़ा सा इस तरफ से भी कर सकते हैं इसमें। देखिए फिर इसमें आप सेम ऐसे ये कपड़ा लेकर इसके फेस में आप ऐसे करेंगे, फेस को ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, लाइट ही रहने देंगे। देखिए इस तरह ऐसे करने के बाद फिर इसमें पेंसिल से इसका आउटलाइन करेंगे और फेस में ये जैसे इसकी आँख है, ये आईज जो बनी है इसकी, इस तरह कर देंगे। इसकी नोज डार्क कर देंगे थोड़ी सी, ऐसे इसकी माउथ को भी ऐसे कर देंगे। ये बीच में थोड़ा सा लाइट होना चाहिए। अगर कहीं डार्क जैसे हो जाए तो आप लोग रबर यूज कर लेंगे और फिर उसको फिर दोबारा से उसमें शेडिंग कर देंगे। इतना मैंने आप लोगों को दिखाया है, मैं थोड़ा सा और कर देती हूँ फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। इस तरह देखिए यहाँ भी थोड़ा सा आपको ऐसे करना है। इस तरह करके फिर इसको हम फिर पहले की तरह फिर इसको कपड़े से मिलाएंगे।
और इस यहाँ भी एक देख लीजिए, इस सब में मैंने कर दिया है। इसमें कैसे करना है आपको, वैसे ऊपर से ऐसे लेके जाना है इस तरह। कपड़े से मिक्स करके फिर इसमें पूरे में आउटलाइन करेंगे। इसमें देखिए इसको, और फिर इसमें एक ऐसे करके इसको ऐसे कपड़े से ऐसे कर देंगे इसमें। और इसमें आउटलाइन करेंगे। इस तरह आप लोग पूरा बनाएंगे। देखिए इसमें और दिखा देते हैं आप लोगों को, यहाँ भी इसको करके फिर आउटलाइन कर देंगे इसमें। इस तरह देखिए आप लोग, ये पूरा बन गया है अभी। और ये यहाँ ऐसे पर इस तरह इसको डार्क कर देंगे। इस तरह आप लोग इसको पूरा बनाएंगे और बना के आप लोग मेरे को भेजेंगे। थैंक यू।